कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए नियमों का पालन जरूरी है, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, दो गज से बातचीत जरूरी है, हो सके तो घर में ही रहने की कोशिश करना जरूरी है, जरूरी है पार्टी ना करना, जरूरी है घर में ही कैद रहना, ये सब जरूरी है केवल जनता के लिए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, सारे प्रतिबंध और नियम केवल जनता के लिए ही क्यों, नेताओं को क्या कोविड नहीं होता? इस सवाल पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा देंगे जिसमें दिख रहा है कि महाराष्ट्र के नेताओं को कोरोना से डर नहीं लगता क्योंकि उनको लगता है कि उनमें सुपर इम्यूनिटी आ चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना नियमों की किताबें फाड़कर उसके पन्ने उड़ाने वाले शादी समारोहों की तस्वीरें देखिए, इसमें शामिल महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं की शक्लें भी पहचानी। ये तस्वीरें देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जरूरी इसलिए ताकि आप अपने माननीय नेताओं की लापरवाह नागरिक वाली छवि भी देख लें। कल जब यही नेतागण आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्ञान दें तो पलटकर यही तस्वीरें दिखा दीजिएगा। देश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस फिलहाल महाराष्ट्र में है। अब तो हालात ये है कि महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना संक्रमण के चपेट में है। ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में इन भव्य समारोहों में हिस्सा लेने पहुंचे थे और कोरोना संक्रमित होकर न जाने कितनों को बांट कर घर बैठे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित 12 मंत्रियों में से कुछ नाम हैं: बालासाहेब थोरात, वर्षा गायकवाड़, केसी पाडवी, प्राजक्ता तानपुरे और यशोमती ठाकुर। इसके अलावा 20 विधायकों में से कुछ नाम हैं: सागर मेघे, राधा कृष्ण विखे पाटिल, शेखर निकम, इंद्रनील नाइक, चंद्रकांत पाटिल और माधुरी मिसाल। सुप्रिया सुले और उनके पति भी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोनाच्या बाबतीमध्ये असणारे जे काही नियम आहेत त्याचंही सगळ्यांनी पालन केलं पाहिजे, याबद्दलची भूमिका सरकार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही सगळीकडे सांगितली पाहिजे आणि आम्ही स्वतः पण त्याचं पालन केलं पाहिजे। शिवसेना नेता संजय राऊत की इस तस्वीर को देखिए, तसल्ली बख्श देख लीजिए, ध्यान से देखिए कि चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है ये जानते ही नहीं, और अब इनकी कोरोना नियमों के पालन वाली आदर्श सलाह सुनिए। देश भरा मध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्र मध्ये कोरोना आणि उपक्रांचे रुग्ण वाढू लागले डबल, ही चिंतेची गोष्ट आहे। काल आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सची बैठक घेतली, रात्रीचे निर्बंध सध्या लादलेले आहेत, दिवसाच्या निर्बंधापर्यंत वेळ येऊ नये अशी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे, कारण दिवसाचे निर्बंध आले की पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचं अर्थचक्र हे अडकून पडेल। मग अनेक गोष्टी आहेत त्यात, अनेक नोकरी धंदा काम रोजगार या सगळ्यांवरती फार मोठं संकट येईल, ते यावं असं वाटत नसेल तर प्रत्येकानं आपापल्या पद्धतीनं काळजी घेतली पाहिजे। कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए शादी समारोहों में हिस्सा लेने वाले संजय राउत से जब खुद मास्क ना पहनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अजीब तर्क दिया। आता आपले प्रधानमंत्री जरी मास्क लावा असं सांगतात आणि स्वतः मास्क लावत नाहीत, त्याच्यामुळे आम्ही प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो आणि आम्ही लावत नाही आपण सगळे, कारण आपण प्रधानमंत्र्यांचं ऐकतो। मुख्यमंत्री मास्क लावतात पण देशाचे नेते प्रधानमंत्री मोदी आहेत, ते जागतिक स्तरावर किंवा राष्ट्रीय कार्यक्रमात कुठेही त्यांना जनतेने मास्क लावलेला नसल्यामुळे जनताही मास्क लावत नाही, मोदी लावत नाहीत म्हणून आम्ही लावत नाही आणि मीही मोदींना फॉलो करतो, त्याच्यामुळे यापुढे प्रधानमंत्री मोदींनी सुद्धा आपल्या मास्क लावावा। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में इस तरह की 5 वीआईपी शादियां या रिसेप्शन समारोह हुए हैं। इन अलग अलग पार्टियों में कहीं बिना मास्क वाले देवेंद्र फडणवीस दिखे, कहीं चंद्रकांत विखे पाटिल भी बिना मास्क लगाए मुस्कुराते दिखे, गिरीश महाजन भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सम्मान ग्रहण करते नजर आए। एक तरफ इस तरह की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार बढ़ते कोरोना मामलों पर ज्यादा सख्ती बरतने पर विचार कर रही है, विरोधाभास का ऐसा मिश्रण कम देखने को मिलता है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज दो टूक शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में केसेस और बढ़ते हैं तो फिर और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे।
इधर सरकार ने राज्य में तीसरी लहर के आने की पुष्टि कर दी है और तमाम जिलों को ये निर्देश दिए हैं कि 15 जनवरी तक वो अपनी तमाम सुविधाओं को अपग्रेड कर ले, यानी चाक चौबंद कर ले। कोरोना संक्रमण की हर लहर महाराष्ट्र में कहर बरपाती है। पहली लहर में मरीजों को बिस्तर मिलना मुश्किल हो गया, दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल था और अब तीसरी लहर की दस्तक न जाने क्या होगा। जिस तरीके से केसेस जो है डबल हुई है, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे जो है हम लोग डबल नंबर देख रहे हैं, बहुत चिंताजनक लग रहा है ये सिचुएशन। और ये लग रहा है कि अगर ऐसी केसेस बढ़ती गई तो हमारे पास और संख्या अगले कुछ एक चार या छह हफ्तों में जो है बहुत ज्यादा नंबर दिखने लगेंगे। मुंबई में तीसरी लहर आ गई है, तो मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, जो कि जैसे कि दिल्ली हुई, जहां पे की केसेस बहुत जल्दी बढ़ी है, हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर की शुरुआत जैसी बात है। सरकार कोविड टास्क फोर्स बनाती है लेकिन केवल जनता के लिए, क्योंकि इनकी सलाहों को जनता तो मानती है लेकिन नेता दरकिनार कर देते हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर लगता है कि नियमों का पालन ना करने में जनता अगर नंबर ही है तो नेता 10 नंबर ही है, और यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में नेता भी संक्रमित है। कोविड प्रतिबंधों का पालन करने वाली जनता अब नेताओं की ऐसी तस्वीरें देखती है तो ठगा हुआ महसूस करती है। प्रतिबंधों का पालन करना उसकी मजबूरी है और जरूरी भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार कोविड क्राइसिस को हैंडल करने में सक्षम है और लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें आम जनता के सहयोग की जरूरत है, यानी इशारा साफ है, अगर कोविड केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे और नियमों का उल्लंघन होता रहा तो फिर सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे।